हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अगर आपने रेडमी 6 या रेडमी 6 प्रो खरीद लिया है या उसे खरीदने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको इस फोन में देखने के लिए मिलते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, किस किस तरीके से आप इस फोन को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लगभग 30 से भी ज्यादा फीचर्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली आपको पता चलेंगी जो अभी तक आपको शायद नहीं पता होंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर आप ने MIUI वाले काफी सारे फोन्स ऑलरेडी यूज किए हैं तो हो सकता है बहुत सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कोई MIUI वाला फोन यूज कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यार, अगेन फीचर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन फीचर्स में से जो भी फीचर आपको सबसे अच्छा लगे या फिर वो फीचर जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो फीचर आप मुझे जरूर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ कि आपको वो फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। तो सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम सेटिंग्स से शुरू करेंगे। फ्रेंड, सेटिंग्स में बहुत सारे फीचर्स आपको MIUI में देखने के लिए मिलते हैं। तो सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर आपको एक वाईफाई असिस्टेंट नाम की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अगर आपका डाटा या वाईफाई आप दोनों चीजें यूज करते हैं, किसी टाइम पे आपको लगता है कि आपका वाईफाई अच्छे से काम नहीं करता और आप चाहते हैं कि आपका फोन ऑटोमेटिकली स्विच कर जाए डाटा पर जब वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं और आप अपने आप आपका फोन जो है वो स्विच करता रहेगा वाईफाई और डाटा के बीच में। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और काफी टाइम आप इस ऑप्शन को यूज करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे यहां पर मोर में, मोर के अंदर आपको वायरलेस डिस्प्ले नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली कास्ट जैसा एक ऑप्शन है। अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं किसी और डिस्प्ले पर, आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। कास्ट जैसा सेम ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप वायरलेस डिस्प्ले के ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां से चले जाएं बैक, आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर आपको एक रीडिंग मोड नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्शन बेसिकली नाइट मोड जैसा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन में जो ब्लू टिंट है वो थोड़ा कम हो जाए, या फिर आप अपने फोन को रात के टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये सब चीजों के लिए आप इस मोड को यूज कर सकते हैं और आंखों पर आपके असर बहुत कम पड़ेगा इस मोड को यूज करने के बाद, और नींद भी हो सकता है कि आपको अच्छी आए अगर आपको रात को नींद नहीं आती, फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इस ऑप्शन को ऑन रखें ताकि आपकी आंखों पर ज्यादा असर ना पड़े। उसी के साथ यहाँ पर आपको डबल टैप स्क्रीन टू वेकअप का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी लॉक स्क्रीन पर हैं और डबल टैप करके आप चाहते हैं आपका फोन वेक हो जाए जैसे अब यहाँ पर हो गया, तो आप इस चीज़ को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली इसको इस ऑप्शन को यूज करके अपने लॉक बटन का यूज जो है वो बहुत कम कर सकते हैं और डायरेक्टली डबल टैप करके वेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चले जाएंगे यहाँ पर थीम्स के अंदर, तो थीम्स के अंदर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि इंटरनली आपको MIUI की बहुत सारी थीम्स देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर आपको ये आइकन्स पसंद नहीं आ रहे यहाँ पर जो ऑलरेडी हैं पहले से, या फिर आपको वॉलपेपर्स या कुछ सेटिंग्स वगैरह अच्छी नहीं लग रही, इन सब चीज़ों को आप थीम चेंज करके यहाँ पर इंटरनली चेंज कर सकते हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो थीम्स का सपोर्ट आपको इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपके पास एक यहां पर आइकन भी आपको थीम्स का मिलता है, अगर आप यहां से थीम्स में जाते हैं, यहां से आपको इवन मोर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगी, और भी ज्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर आप अलग से अगर आप चाहते हैं आइकन्स चेंज कर सकते हैं, या वॉलपेपर्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह जो भी आप चाहते हैं यहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहां पर टेक्स्ट का जो शेप है अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चले जाएंगे यहां पर लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में, यहां पर आपको फेस डाटा का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जैसे ही आप फोन को ऑन करते हैं, इनिशियल सेटअप में आपको फेस डाटा ऐड करने के लिए फोन नहीं बोलता। अगर आप फेस अनलॉक को यूज करना चाहते हैं, यहां पर आपको ऐड फेस डाटा की ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फेस को एनरोल कर लेना है फोन के अंदर। उसके बाद अपने फोन को इस तरीके से, जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे, फेस की मदद से बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद यहां पर वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए, आपका फोन अपने आप वेक हो जाए, और अगर आपके सामने फोन पड़ा हुआ है आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए, उस चीज को आप यहां से ऑन कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर और भी काफी ऑप्शंस हैं। अगर आप शॉर्टकट्स असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम बटन के साथ भी आपका फोन वेक हो जाए, तो आप इसको यहां से इनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार प्रेस करके आप डायरेक्टली कैमरा ऐप को ओपन कर लें, बेसिकली आप फोटोज वगैरह बहुत ज्यादा देते हैं, कैमरा को बहुत बार ओपन करते हैं, तो इस शॉर्टकट को आप यूज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली वॉल्यूम डाउन की को दो बार प्रेस करना है और आप देख पाएंगे कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में अगर आप चले जाएंगे, यहां पर अगेन आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। पहली है यहां पर शो कनेक्शन स्पीड। अब अगर आप नॉर्मली किसी MIUI वाले फोन में शो कनेक्शन स्पीड को इनेबल करेंगे, तो यहां पर स्टेटस बार में आपको कनेक्शन स्पीड दिखेगी, लेकिन क्योंकि इस फोन में आपको नोच देखने
देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर जगह उतनी ज्यादा नहीं है, तो कनेक्शन स्पीड आपको स्टेटस बार को नीचे खींचना है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर मैं बोलूंगा नोच का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत कम स्पेस बचती है यहाँ पर आप कुछ नोटिफिकेशन देख पाएं या कुछ ऐसी कनेक्शन स्पीड या बैटरी परसेंटेज वगैरह देख पाएं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि नॉर्मल MIUI में आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो करने की भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, लेकिन क्योंकि अगेन यहाँ पर नोच है, ज्यादा जगह नहीं है, तो बैटरी परसेंटेज एनेबल आप नहीं कर सकते, आपको स्टेटस बार को नीचे खींचना होगा, यहां पर ही आप बैटरी परसेंटेज को देख पाएंगे। इसके बाद यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फीचर MIUI का जो है, मुझे लगता है कि बेस्ट फीचर इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है यहां पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहां पर आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, अगर आपको बटन्स पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके फोन का जो स्क्रीन का साइज है वो और भी बढ़ जाए, बटन्स की वजह से भी खराब ना हो, तो आप इस ऑप्शन को जरूर ऑन कीजिएगा फ्रेंड्स। आप इसको ऑन करके आप डायरेक्टली स्वाइप कर सकते हैं होम में जाने के लिए, लॉन्ग स्वाइप कर सकते हैं रिसेंट्स में जाने के लिए, और यहां से ऐसे स्वाइप कर सकते हैं बैक में जाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स, और मेरे हिसाब से अगर आप इस ऑप्शन को लगातार यूज करने रखते हैं उसके बाद वापस से बटन्स को यूज करना आपको काफी मुश्किल लगेगा। उसी के साथ फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको नोच हाइड करने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अब ये ऑप्शन मुझे तो कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती है, क्योंकि अगर आपको नोच नहीं पसंद तो आप इस फोन को खरीदिए ही मत। अगर आपको नोच पसंद नहीं है, यहां से बंद करने का ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्पेस फिर भी यूज नहीं होगी, तो फालतू ऑप्शन है। आप नोच को हमेशा अनहाइड ही रखिए, नोच को देखिए, अच्छी लगती है मुझे तो। और यहां पर उसके बाद फुल स्क्रीन मोड है, अगर आपके पास कोई एप्स ऐसी हैं जो फुल स्क्रीन मोड में अच्छे से नहीं काम कर रही तो आप यहां से उनको अनेबल कर सकते हैं उनका फुल स्क्रीन मोड, और उसके बाद वो एप्स बड़ी ही अच्छे से काम करने लगेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सेकंड स्पेस नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि ये ऑप्शन क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अलग स्पेस अपने फोन में बना लें, बेसिकली अगर आप किसी और को फोन देते हैं या कोई और भी आपका फोन यूज करता है तो उस स्पेस में लॉग इन करके आप उसको अपना फोन दे सकते हैं। ये एक अकाउंट बनाने जैसा है फ्रेंड्स, जैसे आपके जीमेल में दो अकाउंट्स हों, आप दूसरा अकाउंट फेक करके किसी को दिखा सकते हैं कि मेरे जीमेल में क्या है, ऐसे ही आप अपने फोन में एक दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद उसमें लॉग इन करके अपने दोस्त को या किसी को भी फोन दे सकते हैं और उसको आपके फोन की कोई भी सेटिंग्स या कोई एप्स वगैरह नहीं दिखेंगी, तो सेकंड स्पेस की तरह आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। तो दो बेसिकली दो अलग अलग फोन्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में चले जाएंगे, यहां पर अगेन बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, क्विक बल्क ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, यहां से आप काफी सारे शॉर्टकट्स को एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको एनेबल कर देंगे, यहां पर चार पांच शॉर्टकट्स को आप लेके आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक बोल है, यहां से आप कुछ शॉर्टकट्स, आपके पास पांच शॉर्टकट्स हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और शॉर्टकट्स यहां पर चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट शॉर्टकट्स के अंदर जाकर आप कोई भी शॉर्टकट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आप अगेन शॉर्टकट्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो क्विक बोल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बटन्स एंड जेस्चर्स शॉर्टकट्स हैं, अगर आप बटन्स के साथ या जेस्चर्स के साथ भी काफी सारे शॉर्टकट्स असाइन करना चाहते हैं अपने फोन में, वो सब आप यहां से कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आप अपने फोन में कर सकते हैं MIUI के होने की वजह से। उसके बाद यहां पर आपको मैं बता दूं कि इस फोन में नोटिफिकेशन लाइट भी आपको देखने के लिए मिलती है, अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, लेकिन काफी वियर्ड सी जगह पर है क्योंकि यहां पर नोच है, ज्यादा जगह है नहीं, ऊपर तो यहां पर नहीं मिलती। पोको F1 में आपको यहां पर देखने के लिए मिलती थी एग्जैक्टली चार्जिंग पॉइंट के करीब, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है इस फोन में यहां पर, वो भी काफी वियर्ड प्लेस है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी जगह निकाल के यहीं पर दे दी जाए नोटिफिकेशन लाइट तो ज्यादा बेटर है। हालांकि ठीक है, यहां पर एटलीस्ट वो काम कर देती है नोटिफिकेशन लाइट का, तो मिस नहीं की है वही एक बड़ी बात है। उसके बाद यहां पर आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, अगर आपको लगता है कि इस फोन को आप एक हाथ से यूज नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इस फोन को एक हाथ से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट फोन है, 5.84 इंचेस का है सिर्फ, और उसके साथ यहां पर नोच डिस्प्ले है, बेजल्स बहुत कम है। हालांकि और फोन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला बेजल काफी बड़ा है, स्टिल एक हाथ से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपको स्वाइप करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं फोन की स्क्रीन जो है वो काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। वापस जाने के लिए आप इस ब्लैक एरिया में क्लिक कर सकते हैं और आप स्क्रीन साइज को भी सेट कर सकते हैं। जब ये स्क्रीन छोटी होती है, आप क्या चाहते हैं कि कितने साइज की स्क्रीन कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर और नीचे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको डुअल एप्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो यही ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी अकाउंट को, किसी भी ऐप को दो अकाउंट्स की तरह यूज करना चाहते हैं, अगर आप अपने फेसबुक के दो अकाउंट्स यूज करना चाहते हैं या गाना ऐप के दो अकाउंट्स यूज करना चाहते हैं या किसी गेम में आप दो अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हैं, तो किसी भी ऐप को आप यहाँ पर ट्विन बना सकते हैं, ऐप का डुअल एप्स में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग ऐप में अलग अलग अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हैं। ये
काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो काफी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ कैमरा में। फ्रेंड्स कैमरा के कुछ फीचर्स आपको दिखाता हूँ। कैमरा में अगेन MIUI के होने की वजह से काफी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। उसके लिए पहले आपको वीडियो में जाना पड़ेगा। वीडियो में जाके आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4K का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फुल HD में इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। उसी के साथ अगर आप वीडियो मोड में है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस फोन में आप टाइम लैप्स और स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। उसी के साथ एक और जो इंटरेस्टिंग मोड इस फोन में आपको देखने के लिए मिलता है वो है यहाँ पर मैनुअल मोड। तो इस फोन में आपको फुल फ्लैश तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिलती मैनुअल मोड में। अगर आप कुछ और फोन्स में देखें बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं। यहां पर जस्ट वाइट बैलेंस और ISO को आप चेंज कर पाएंगे मैनुअल मोड में। स्टिल अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को चेंज करके कुछ अच्छी फोटोज लेना चाहते हैं, शटर स्पीड या फोकस की ऑप्शंस यहां पर नहीं है, ये दो ऑप्शंस यूज करके आप मैनुअल मोड को यूज कर सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर यहां पर कुछ और ऑप्शंस भी आ जाएं तो आप काफी अच्छी फोटोज फोन को यूज करके ले पाएंगे। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स एक ऑप्शन यहां पर मिस हो गई। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर आपको ऐप लॉक की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है। अब इस फोन में आपको ऐप लॉक की दो अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिलती है। एक है यहां पर ऐप लॉक जिसको यूज करके आप लॉक कर सकते हैं अपनी ऐप्स को, लेकिन उनको आप हिडन नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर पिंच करेंगे अपनी स्क्रीन पर, यहां पर जाएंगे सेटिंग्स में मोर में, यहां पर आपको एक ऐप वॉल्ट नाम का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस ऑप्शन को यूज करके अपनी ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं, जो कि आप ऐप लॉक को यूज करके नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चले जाएंगे यहां पर डायलर के अंदर अगर आप चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर, यहां पर आपको ऑटोमेटिकली कॉल्स रिकॉर्ड करने का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। काफी सारे लोगों को रहता है कि आप अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करते रहें और काफी सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप कुछ ऐसी बातें करते हैं अपने फोन पर तो यहां पर आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जिनमें कि आपको बहुत सारी एड्स देखने के लिए मिलती हैं, बहुत इरिटेटिंग होती हैं। यहां पर आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली सारी कॉल्स जो है वो आपके फोन में रिकॉर्ड होती रहेंगी। उसी के साथ अगर आप यहां पर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में जाएंगे, यहां पर आपको बहुत सारे का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर आई होप कि आप पढ़ पाए इनको, मैं पढ़ के आपको बताता हूं फ्रेंड्स। पहला है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, अपने फोन को फ्लिप कर सकते हैं और रिंगर जो है वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा, जो रिंग बज रही है वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगी। उसके बाद क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, अगर आप चाहते हैं जैसे ही अपने फोन को उठाएं फोन साइलेंट हो जाए वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज रिंगिंग वॉल्यूम, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि पहली रिंग जो है वो थोड़ी स्लो बजे, उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो बढ़ती रहे, वो आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैश व्हेन रिंगिंग, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका फोन आता है तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, वो आप यहां से कर सकते हैं। ये सब चीजें काफी सारी यहां पर ऑप्शंस हैं जो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप यहां पर इस साइड चलेंगे आइकन्स को देखेंगे जो आपको इंटरनली इस फोन में एप्स देखने के लिए मिलती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको MI रिमोट नाम की एक ऐप देखने के लिए मिलती है और यहां पर आपको इस फोन में IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप अपने फोन को रिमोट की तरह यूज करना चाहते हैं, काफी सारे आपके घर में अप्लायंसेस हो गए जैसे TV होगा, AC होगा, अगर आप उन सब चीजों को अपने फोन से कंट्रोल करना चाहते हैं रिमोट की तरह, वो भी आप इस फोन से कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी एक इंटरनली एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है। उसके लिए भी आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको FM रेडियो का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। कुछ फोन्स में आपको आजकल FM रेडियो का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इस फोन में ऐसी कोई भी इश्यूज नहीं है। तो यही थे कुछ खास फीचर्स फ्रेंड्स इस फोन में जो मैंने आपको बताया। आई होप के फीचर्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे और इन फीचर्स को यूज करके अपने फोन को और भी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। अगेन आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा और किस फीचर को आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल जो है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।